अक्सर लोग समय का रोना रोते रहते हैं, खासकर युवा व्यर्थ कामों में अपना समय लगाकर अपने महत्वपूर्ण काम की अनदेखी करते हैं। फिर उनकी शिकायतें रहती हैं, हमें समय ही नहीं मिलता। ऐसे में आवश्यकता होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें? जितना अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे उतना ही फायदा ये आपको फ्यूचर में देगा। तो जानते हैं टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटेजीज जिन्हें यूज करके आप स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे। सबसे पहले ये देखें कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे चैटिंग, फेसबुक, ईमेल या टीवी वगैरह। इन कामों का समय निर्धारित कर आप काफी टाइम बचा सकते हैं। प्राथमिकताएं तय कीजिए, जो काम जरूरी है उसे अभी कीजिए और जो बाद में किया जा सकता है उसके लिए समय तय कीजिए। गैर जरूरी काम छोड़कर भी आप वर्कलोड कम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग कीजिए। मोबाइल, कैलेंडर या चार्ट वगैरह की मदद से काम समय पर निपटाए जा सकते हैं। बस रिमाइंडर को अवॉइड करने की आदत छोड़नी होगी। काम आउटसोर्स कीजिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या गृहिणी, ऐसे कई काम हैं जो दूसरों से करवाए जा सकते हैं। इससे आपका वर्कलोड कम होगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे। इंतजार में वक्त बर्बाद ना करें। कई मौकों पर हमें इंतजार करते हुए लंबा समय गुजारना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे काम इस समय निपटाए जा सकते हैं, जैसे मेल चेक करना, नोट्स बनाना या जरूरी फोन लगाना। फ्री टाइम का यूज, जब भी आप फ्री और रिलैक्स मोड में बैठे हो तो मोबाइल से जरूरी कॉल, मैसेज, ईमेल, नोट्स बनाना जैसे काम निपटा लें। इससे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। एक समय पर एक ही काम करें, एक ही काम पर पूरा फोकस रखें। जिस भी काम को करें पूरे फोकस के साथ करें, उसे पूरा निपटाकर ही दूसरे काम के बारे में सोचें। इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों की बचत होगी। अंत में आता है एनालिसिस करना। जब आपका पूरा दिन बीत चुका हो तो आखिरी में पूरे दिन की एक्टिविटी को याद करें। सोचें कि कौन सा काम समय पर नहीं हुआ, कहां आपने अपना समय बर्बाद किया। इससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आप कहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और कोशिश करें कि अगले दिन की दिनचर्या में ये गलती ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो के साथ।